टैक इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा छात्रवृत्ति, यानी कि आप अपना छात्रवृत्ति फॉर्म फिल करना चाह रहे थे तो आपका अभी तक फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि BR सॉरी और एरर अगर वगैरह, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो आपको वो सभी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल गया है। आप अवश्य ही अपना पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से, अपने सिस्टम से, किसी भी सिस्टम से आप पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी अपना पूरा अप्लाई फॉर्म करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस वीडियो को देखकर आपको पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। आपको अभी जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लॉगिन कर रहे थे वो आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो मैं बताऊं आपको मैं लाइव दिखा रहा हूं, अब सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। आप वो फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कोई दिक्कत आपको लगे तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको DOB फिल कर लेनी है। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको अपना जो वेरिफिकेशन कोड है आपका पासवर्ड वो फिल कर देना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कॉलम में जो आपका जो कैप्चर कोड है आपके सामने शो हो रहा है आपको ये फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है पूरा आपको सामने शो होने लगेगा, आपको ये शो होने लगेगा, आपको अपना फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको देखकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो छात्रवृत्ति की ऑफिशियल वेबसाइट में जितनी भी दिक्कतें आ रही थी आपको वो आज से दूर हो गई हैं। और अगर ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे टेक इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और आपको मैं और भी लाइव दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको और भी दिखा रहा हूँ। आप अगर 12th क्लास से हैं तो आपको 12th क्लास का भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने देना है। और यहाँ पर आपको DOB फिल कर देनी है, और नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना है। जो भी आपका पासवर्ड है वो फिल कर देंगे, और नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है। जो भी आपका कैप्चर कोड है वो फिल कर देंगे, आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जिस सारे आपका पहले बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी तो आपका जो फॉर्म है वो सारे ओपन होने लगे हैं। और जितनी भी BR सॉरी अगर वगैरह टेक्निकल वीडियो, जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी वो आज से दूर हो गई हैं। दोस्तों, अब आपको छात्रवृत्ति की जो फॉर्म है वो बिना किसी दिक्कत के फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।